20 मई को आएगा सबसे बड़ा तूफान, 1999 साइक्लोन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर, 21 साल के बाद पहला सुपर साइक्लोन। 20 मई को पश्चिम बंगाल के तट पर आने वाला है 1999 के उड़ीसा साइक्लोन के तरह ही अम्फान साइक्लोन। इसकी तुलना 1999 के साइक्लोन से इसलिए की जा रही है क्योंकि इस तूफान ने महातूफान का रूप ले लिया है और कल शाम को 1999 के तूफान की जितनी ताकत के साथ ही ये पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। करीब 195 किलोमीटर की रफ्तार से अम्फान तूफान कल पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल के दीघा शहर से लेकर बांग्लादेश के हतिया द्वीप के बीच ये सबसे ज्यादा आतंक फैलाने वाला है। क्यों की जा रही है इसकी 1999 के उड़ीसा साइक्लोन से तुलना, आइए आपको समझाते हैं सस्टेन्ड विंड स्पीड से दोनों की ताकत। सस्टेन्ड विंड स्पीड के पैमाने पर अगर इन दोनों तूफानों की तुलना करें तो 3 मिनट के एवरेज पर 1999 के साइक्लोन में जहां 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, वही अम्फान में 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। 1 मिनट के अगर एवरेज को देखें तो 1999 के साइक्लोन में 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, तो वही अम्फान में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। अगर बात करें दोनों के स्टॉर्म सर्च के बारे में तो 1999 का साइक्लोन में 5 से 6 मीटर का स्टॉर्म सर्च था, वही अम्फान साइक्लोन में 4 से 6 मीटर का स्टॉर्म सर्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का, यानी मिदनापुर और साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वो बहुत शैलो एरिया है। ऐसे ही वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड बहुत अंदर तक आ जाता है। जब साइक्लोन आता है बहुत अंदर तक टाइडल वेव आ सकता है और टाइडल वेव बहुत ज़्यादा भी होता है। 21 साल पहले 1999 में एक और सुपर चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्सों को तबाह कर दिया था। उड़ीसा को सुपर साइक्लोन से हुई तबाही को सही करने में सालों लग गए थे। इस साइक्लोन में कुल 9,800 लोगों की मृत्यु हुई थी और $4.4 बिलियन का नुकसान हुआ था। आइए आपको बताते हैं कौन से इलाके हुए थे प्रभावित 1999 के तूफान में। पूरी, केंद्रपाड़ा, बालासोर, भद्रक, कटक, जगत सिंहपुर, इन सभी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। वहीं 2020 के लिए पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिले को रेड अलर्ट पे रखा गया है। अम्फन के बारे में चेतावनी देते हुए आईएमडी का मानना है कि जो साइक्लोन बेवा बंगाल में स्थित था वो बहुत रैपिडली इंटेंसिफिकेशन हुआ है और आज ये एक सुपर साइक्लोन परिणत हो गया है दोपहर को, और इसका अभी विंड स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसका जो प्रेडिक्टेड पाथ है वो वेस्ट बंगाल कोस्ट को पार करने का हमारा उम्मीद है। दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को पार करेगा 20 तारीख को आफ्टरनून और शाम के टाइम। सो ये जब तट को पास पहुँचेगा और पार करेगा तब इसका विंड स्पीड 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 195 प्रति घंटा होना का उम्मीद किया जा रहा है। ये जो विंड है 165 टू 175 गस्टिन 195 kmph, ये बहुत डिजास्ट्रस विंड है, इसलिए इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बोला जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने चक्रवात अम्फान और कोरोना वायरस महामारी की दोहरी चुनौती का मुकाबला करने के लिए NDRF की टीमें 20 से बढ़ाकर 37 कर दी हैं। इन सभी टीमों को तटीय इलाके में तैनात कर दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम अधिकारियों के साथ मिलकर तैयारी पर चर्चा की है। ABP न्यूज आपको रखे आगे। क्यों है ABP लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। ABP लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।